अकाइनोडर्म्स, बेटा अकाइनो का मतलब क्या होता है? कांटे, थॉर्न्स, स्पाइन्स, सुन रहे नहीं सुन रहे? और डर्म का मतलब होता है जिल्द, तो इसका मतलब क्या? कांटेदार जिल्द वाले इनवर्टिब्रेट्स, ये वो इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनकी जिल्द कांटेदार होती है, इनकी जिल्द पे कांटे होते हैं, इनकी जिल्द पे कांटे। डेफिनेशन क्या है जी? इनवर्टिब्रेट्स दैट आर स्टार शेप्ड, ये ऐसे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जो स्टार शेप्ड होते हैं, इनकी शक्ल किस तरह की होती है? ये देखो नजर आ गया, हाँ जी, एंड हैव थॉर्न्स, और क्या होते हैं? कांटे होते हैं ऑन दियर स्किन, इनकी दियर का मतलब इनकी स्किन का मतलब जिल्द पर, आर कॉल्ड एकिनोडर्म्स, हम इनको एकिनोडर्म्स कहते हैं, हैं? हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है, गौर से सुनना, ये एकिनोडर्म्स होते हैं, समझ, इनको उर्दू में कहते हैं माही खार पुष्ट, माही खार पुष्ट। अच्छा आगे चलते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकिनोडर्म्स, एकिनोडर्म्स की खसूसियात या खूबियां, echinoderms are found only in the oceans, echinoderms are found, echinoderms are का मतलब है, found का मतलब पाए जाते हैं या मिलते हैं, only सिर्फ सिर्फ in the ocean, समंदर में, echinoderms do not have any head, इनका सर कोई नहीं होता, ठीक है, echinoderms do not have, ये नहीं रखते any head, इनका कोई सर नहीं होता, the animals may be disc, ये एक disc की शक्ल के, disc समझते हो, plate, plate, plate की शक्ल के हो सकते हैं, star, स्टार की शक्ल के हो सकते हैं, शेप्ड और लॉन्ग वन, या ये लंबे भी हो सकते हैं, लंबूतरे भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। द बॉडी हैज अ स्पाइनी कवरिंग, इनकी जो बॉडी होती है, इनका जो जिस्म होता है, हैव अ स्पाइनी, स्पाइनी का मतलब कांटेदार, कवरिंग का मतलब गिलाफ, इनके जिस्म पे एक गिलाफ चढ़ा हुआ होता है, किसका? कांटेदार जिल्द का, समझ आ गई है ना? यस, ये आपके सामने आपको नजर आ रहे होंगे, ये पहली स्टार फिश है, ठीक है, समझ आ गया नहीं आ गया? ये सी एनीमोन है ये, और ये क्या है? ये ब्रिटल स्टार है, ठीक है, इन ये सब के सब किस किससे बिलोंग करता है? काइनोडर्म्स से बिलोंग करते हैं, ठीक हो गया। किसी बच्चे को अगर बात समझ नहीं आई मुझसे पूछ लो, मैंने बेटा आपको काइनोडर्म्स पढ़ा दिए, आपको मोलस्क्स पढ़ा दिए, आपको वॉर्म्स पढ़ा दिए, आपको इंसेक्ट्स पढ़ा दिए, और आपको सबसे पहला क्या पढ़ाया था? स्पॉन्जेस, ये पांचों के पांचों मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है, पांचों पढ़ लिए ना हमने।